अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपको आपकी बाइक चोरी होने से बचाने के हवाले से तीन बेहतरीन टिप्स दूंगा कि आप किस तरह अपनी मोटरसाइकिल को चोरी होने से बचा सकते हैं या चोर के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी यूज्ड बाइक बाई टिप्स के हवाले से कि आप अगर कोई इस्तेमाल शुदा बाइक लेना चाह रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए बाइक को बाय करने से पहले, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ये ऊपर आई बटन पे भी आ रहा होगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आएँ चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो वैसे तो कई तरीके या जुगाड़े हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपनी बाइक को पार्क कर सकते हैं महफूज तरीके से, जैसे कि आप उसमें हैंडल लॉक ज़रूर लगाएं, लेकिन हैंडल लॉक का ये होता है कि वो भी अब इतनी फुर्ती से लोग तोड़ देते हैं कि पता भी नहीं चलता, या वो हैंडल लॉक जो हैं वो किसी दूसरी की से ओपन भी हो जाते हैं बआसानी। इसके अलावा ये है कि आप कड़े वाला लॉक भी लगवा सकते हैं जिसके टूटने में काफ़ी मुश्किल होती है। इसके अलावा एक और तरीका ये है कि आप स्विच लॉक लगा दें, जो मीटर पर जो आपने देखा है जो स्विच लगा हुआ होता है उसके नीचे से एक वायर वो खींच देता है आपका, जो भी अगर अच्छा तजुर्बेकार मैकेनिक है, और वो तार खींचने के बाद वो टंकी के नीचे एक खुफिया लॉक लगा देता है जो बाहर नज़र नहीं आता। लेकिन ये थी नॉर्मल चीज़ें जो आप यूजुअली करते होंगे, लेकिन अब मैं आपको तीन अहम टिप्स दे रहा हूँ जिनको फॉलो करके आप अपनी मोटरसाइकिल को चोरों से महफूज कर सकते हैं, और ये तीनों टिप्स आप एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर वन पे जो चीज़ है जो आप जहन में रखें वो ये कि आप जब भी बाइक को पार्क करें तो चारों गियर लगा दें, यानी गियर में लगाने के बाद आप बाइक को छोड़ें। चोर जब भी मोटरसाइकिल चोरी करने के लिए आता है तो वो बहुत जल्दी में होता है, उसके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है और वो चाहता है कि फौरी तौर पे बाइक को स्टार्ट करे और ले जाए। तो अगर गियर में खड़ी हुई होगी आपकी बाइक और भी चारों गियर लगे हुए होंगे तो उसको स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होगी, गियर फंसेंगे, वो गियर निकालने में टाइम लगाएगा और जल्दबाजी में उससे बाइक स्टार्ट नहीं हो पाएगी, तो इस तरह उसको टाइम लग जाएगा और आपको टाइम मिल जाएगा कि आप उसको पकड़ सकते हैं। दूसरी टिप ये है कि आप जब भी बाइक को कहीं खड़ा करें तो चौक को उठा दें। चौक के बारे में यकीनन आप जानते होंगे कि इससे बाइक ठंडी हो जाती है, अगर आप इसको ऊपर कर दें तो फौरी तौर पर स्टार्ट नहीं होती और किसी को पता नहीं होता कि आपने चौक उठाई भी है, जल्दबाजी में उतना चेक भी नहीं करते और जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती तो वो इससे ही हो सकता है कि चोर अपना इरादा बदल दे और किसी दूसरी बाइक की तरफ तवज्जो करे। तीसरी टिप जो है वो वायर लॉक के हवाले से है। अक्सर बाइकर जो हैं वो बाइक के बैक व्हील के ऊपर वायर लॉक लगा देते हैं, बाइक का जो शार्क होता है उससे और जो तीलियां होती हैं व्हील की उसके साथ मिलाकर वायर लॉक लगा देते हैं और समझते हैं कि हमारी गाड़ी महफूज होगी, लेकिन जो चोर होते हैं उनके पास असल औजार भी होते हैं तो बआसानी उस लॉक को काट देते हैं। तो आप कोशिश करें कि जब भी वायर लॉक लगाएं तो फ्रंट टायर के ऊपर लगाएं, बैक टायर पे ना लगाएं, फ्रंट टायर के ऊपर लगाएं और दोनों शार्क्स जो हैं उन पर लपेटें वायर लॉक को, उससे ये होगा कि वायर लॉक को काटने में दुश्वारी होगी और फ्रंट पे वैसे भी वो नज़र आ रहा होगा लॉक आपका, तो अगर गाड़ी आपकी बहुत सारी बाइक के साथ खड़ी हुई है तो पहली नज़र में ही चोर हो सकता है अपना इरादा बदल लेके वो देखेगा जी हाँ तो वायर लॉक लगा, वो भी फ्रंट के ऊपर दोनों शॉक्स को लपेट के। तो दोस्तों, ये तीन मोटी मोटी टिप्स थी जिनको आप फॉलो करते हुए अपनी बाइक को महफूज कर सकते हैं चोरों की नज़र से, ये आप चोर के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप भी एक बाइकर हैं तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी बाइक को कैसे सेव करके खड़ा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।